हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रचना अब्रोल, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। आज मैं डिस्कस करूंगी वजाइनल इन्फेक्शंस इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत लेडीज हमें कहती हैं कि उन्हें वजाइनल डिस्चार्ज बढ़ गया है, तो क्या ये इन्फेक्शन है क्या नहीं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रेगनेंसी में वजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मली भी थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन हर वजाइनल डिस्चार्ज इन्फेक्शन नहीं होता है। लेकिन कई वजाइनल इन्फेक्शन हैं जो प्रेगनेंसी में कॉमन है, उनमें से एक है वजाइनल फंगल इन्फेक्शन। प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, वजाइना का पीएच चेंज हो जाता है, उसकी वजह से कई बार फंगल इन्फेक्शन होता है। और फंगल इन्फेक्शन कैसे डिटेक्ट होता है, उसमें थिक पुबाइट डिस्चार्ज होता है, साथ में इचिंग भी होती है, तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए यूजुअली हम लोकल ट्रीटमेंट देते हैं, क्रीम्स या वजाइनल टैबलेट्स देते हैं, उससे क्योर हो जाता है। ये फंगल इन्फेक्शन जो प्रेगनेंसी में होता है, ये बेबी के लिए हार्मफुल नहीं होता है और इसकी सिंपल ट्रीटमेंट लेने से ये ठीक हो जाता है। अगर एंटीबायोटिक्स ज़्यादा खाए हों फॉर एनी रीज़न, कई बार एंटीबायोटिक खाने पड़ते हैं, उसकी वजह से भी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, लेकिन जैसे मैंने बताया ये इजीली ट्रीटेबल है और बेबी को ये अफेक्ट नहीं करता है। कई बार प्रेगनेंसी में बैक्टीरियल वजाइनल इन्फेक्शन भी हो जाते हैं और इसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अगर ये आपको ऐसा डिस्चार्ज है तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि अगर बैक्टीरियल वजाइनल इन्फेक्शन है तो वो बेबी को भी हार्म कर सकता है, बेबी की ग्रोथ को अफेक्ट कर सकता है और इंटर्म लेबर भी हो सकता है। इसकी ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक से होती है, जिसके लिए आपको अपने डॉक्टर से मिलकर प्रॉपर ट्रीटमेंट करवानी चाहिए। कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं वजाइनल इन्फेक्शंस, तो बेसिक जो हाइजीन है वो मेंटेन करनी चाहिए। सिंथेटिक टाइट फिटिंग कपड़े पहनना अवॉइड करना चाहिए। वजाइनल एरिया को वॉश करके टिश्यू से ड्राई ज़रूर करना चाहिए। सेंटेड फेमिनिन हाइजीन प्रोडक्ट्स यूज़ करने अवॉइड करने चाहिए। इन चीज़ों से कुछ हद तक आप इन्फेक्शंस अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम आती है फिर आप अपने डॉक्टर को ज़रूर जाके चेक करवाएं, क्योंकि अगर इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो टाइम से ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है। इसके बारे में अगर आपको और कोई डाउट्स है, कुछ और आप जानना चाहते हैं, तो आप मुझे मिल सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर रचना अब्रोल, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। अगर आपको लगता है इस वीडियो से किसी का फायदा हो सकता है तो शेयर जरूर करें और यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।